महोदया, यमन गणराज्य में हाल के घटनाक्रम और वहां के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किए गए प्रयास के संबंध में आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहूँ। मुझे इस पुनीत सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि युद्धग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों के निकालने के लिए चलाया गया अभियान राहत अत्यंत सफल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खूब सराहा है। अध्यक्ष महोदया, हमने न केवल 4,440 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 18 अप्रैल तक 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस निकासी प्रक्रिया के दौरान हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग आंदोलनों की शुरुआत के उपरांत यमन में भारी उथल पुथल के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तरी यमन से विदेश के जेबी सिया गुट और राष्ट्रपति अब्दुल रब्बो मंसूर हादी के नेतृत्व में संघीय सरकार के बीच गंभीर मतभेद के कारण इस देश में सितंबर 2014 से ही राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था दिनों दिन बदतर होती जा रही है। भारत सरकार यमन में आंतरिक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। यमन में बिगड़ते आंतरिक हालात से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है अपितु इससे वहां रहने वाले हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण पर भी असर पड़ा है। सना स्थित अध्यक्ष सना वहां की राजधानी का नाम है। सना स्थित हमारे राजदूतावास के अनुमान के अनुसार यमन के विभिन्न क्षेत्रों में 4,000 से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं। यमन में सुरक्षा माहौल के बिगड़ने की संभावना को देखते हुए विदेश मंत्रालय और सना स्थित हमारे राजदूतावास ने इस वर्ष 21 जनवरी को 19 मार्च को और 25 मार्च को 3 परामर्श जारी करके वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को उपलब्ध वाणिज्यिक साधनों की सहायता से स्वेच्छा से यमन छोड़ने का आग्रह किया क्योंकि उस समय सुरक्षित निकला जा सकता था, किंतु तब किसी ने भी इस सलाह पर ध्यान देते हुए यमन नहीं छोड़ा। तत्पश्चात स्थानीय सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और हमारे राजदूतावास के अधिकारियों और वहां रहने वाले अन्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हेतु अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के संबंध में सलाह देने के लिए विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय दल ने 9 से 13 मार्च तक यमन की यात्रा की। अध्यक्ष महोदय, हमने तत्काल अपेक्षित उपाय किए ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमने यमनी एजेंसियों और क्षेत्र की अन्य सरकारों के साथ संपर्क साधा ताकि इन लोगों को सुरक्षित समय पर निकाला जा सके। गठबंधन सैन्य बलों द्वारा यमनी हवाई क्षेत्र पर लगाए गए नो फ्लाई जोन तथा समुद्री मार्गों को बाधित किए जाने के कारण निकासी प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी और यह कठिन कार्य बन गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से 27 तथा 29 मार्च को सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत की और इस निकासी प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब नरेश महामहिम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ 30 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसके दौरान सऊदी नरेश ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व श्री अनिल वधवा की अध्यक्षता में विदेशों से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए हाई अंतर मंत्रालय समूह की बैठक 26 मार्च से नियमित आधार पर होती रही ताकि निकासी योजना बनाने, समन्वयन करने और उसे कार्यान्वित करने का काम किया जा सके। हवाई तथा समुद्री मार्ग से
निकासी की योजना को प्रभावी बनाने तथा संशोधित करने के लिए 30 मार्च के बाद से मैंने स्वयं इस समूह के अनेक व्यक्तियों की अध्यक्षता अध्यक्ष जी, हमने यमन में अपने नागरिकों भारत में उनके परिवार के चिंतित सदस्यों की सहायता के लिए एक मिनट प्लीज आप बात समझिए, मेरी समझ भी नहीं आता है। अभी बिल तो पेश ही नहीं हुआ है, आप जो विरोध कर, ये तो ऑर्डिनेंस जनरल वे में जो नियम के अनुसार ले, बात सुनो, आपको विरोध करना है जब बिल इंट्रोड्यूस होगा, बिल्कुल जोर से विरोध, मगर अभी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, आप किस बात का विरोध कर रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आता। तो ये तो ऑर्डिनेंस है, ले हुआ है, वो तो हो गया है, प्लीज समझ, बिल इंट्रोड्यूस करते समय कर सकते हो, आपको प्रोसीजर के अनुसार कर सकते हो, प्लीज, नो दिस इज नॉट द वे, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, इसका मतलब है आप यमन के नागरिकों के साथ नहीं हो, उनको वापस लाए हैं। परिवार के चिंतित सदस्यों की सहायता के लिए 26 मार्च से विदेश मंत्रालय ने 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष तथा हेल्पलाइनों की स्थापना की, सना में हमारे दूतावास और जिबूती में हमारे नियंत्रण कक्ष ने इसी प्रकार 2400 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की। अध्यक्ष जी, इन कार्यों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए हमने जिबूती को अपने निकासी प्रयासों का केंद्र बनाया। अध्यक्ष जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्वयं जिबूती में हमारे शिविर कार्यालय से इन प्रयासों का निरीक्षण किया। जनरल वीके सिंह ने इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए बार बार जिबूती और सना के बीच आना जाना किया। मैं यह कहना चाहूंगी कि जनरल वीके सिंह ने मंत्री की तरह नहीं बल्कि सेना के एक पूर्व जनरल की तरह वहां पर काम किया। अध्यक्ष जी, इथियोपिया में हमारे राजदूत श्री संजय वर्मा द्वारा जिबूती में बैठकर उन्हें पूरी सहायता दी गई। हमने अपने निकासी प्रयासों को सुदृढ़ करने और समन्वयन के लिए जिबूती और सना में विदेश मंत्रालय के 26 अधिकारियों की तैनाती की। इस निकासी के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और इसमें शिपिंग मिनिस्ट्री छूट गई, जहाजरानी मंत्रालय के साथ सहयोग करके आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। अध्यक्ष जी, हमने 5 समुद्री जहाज और 7 विमान इस निकासी में लगाए और पूरी पर्याप्त क्षमता के माध्यम से निकासी की। भारतीय नौसेना के 3 युद्ध पोतों INS सुमित्रा, INS मुंबई और INS कर्कश और 2 यात्री समुद्री जहाज जो गृह मंत्रालय ने हमको मुहैया कराए, कोवारत्ती और कोरल, इनका हमने उपयोग किया। 7 विमानों में से 3 इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर्स और एयर इंडिया के 4 व्यावसायिक विमान शामिल थे। एयर इंडिया के 3 हवाई जहाजों ने भारतीय और विदेशी नागरिकों को सना से जिबूती पहुंचाया और एयर इंडिया के AI-777 का उपयोग हमने भारतीय नागरिकों को कोची और मुंबई पहुंचाने में किया। युद्धरत गुटों के बीच भारी गोलाबारी तथा लड़ाई के बावजूद हमारी नौसेना के जहाजों ने यमन में एडन, अल हुदैदा और अल मुकल्ला बंदरगाहों से लोगों को सुरक्षित निकाला। अध्यक्ष जी, एडन से जब हमारी नौसेना निकाल रही थी, घूम अंधेरा था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से गोलाबारी हो रही थी, उस समय भी 180 की जगह 350 लोगों को भारतीय नौसेना का साहस लेकर के एडन से निकला। हमारे राजदूत श्री अमृत गुगुन की गहन निगरानी में यमन में हमारे दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमारी निकासी योजना के संचालन के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में राज्य में काम किया। जिबूती में तैनात हमारे अधिकारियों ने भी अथक कार्य किया और इस व्यापक प्रयास का समन्वयन किया। जिबूती में हमारे मानव काउंसिल श्री नवीन कोठाली ने हर संभव सहायता की। अध्यक्ष जी, हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे जिन नागरिकों के पास यात्रा दस्तावेज नहीं थे, उन्हें सना से हमारे दूतावास द्वारा आपात प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं। हमने यमन में उन सभी भारतीयों को जो घर वापसी के इच्छुक थे, समय से और सुरक्षित निकासी में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अध्यक्ष जी,
निःशुल्क कन्फर्म टिकट दिए और पूरा राज्य की सरकार संबंधित राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में वापस आने वाले सभी व्यक्तियों को भारत में उनके आगमन पर सहायता उपलब्ध कराई। यहाँ मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगी। यद्यपि मुंबई पहुँचने वालों में से ज्यादातर लोग अन्य राज्यों के थे, तथापि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हवाई अड्डे पर सभी सुविधाएं प्रदान करवाई और आगे की यात्रा के लिए 3,000-3,000 रुपए का हर यात्री को नकद भुगतान किया। अध्यक्ष महोदया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि भारतीय दूतावास हवाई हमला प्रारंभ होने के बाद सहन में कार्यरत कुछ एक विदेशी मिशनों में से एक था। इसलिए हमें पड़ोसी और पश्चिमी देशों सहित 33 देशों से नागरिकों के निकासी हेतु औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुए और हमने जमीनी सच्चाइयों के आधार पर इन अनुरोधों पर यथासंभव सकारात्मक कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 48 देशों के नागरिकों को निकालने में मदद। और ये देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, कनाडा, क्यूबा, जिबूती, मिस्र, एल सल्वाडोर, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इटली, जॉर्डन, कीनिया, किर्गिस्तान, लेबनान, मालदीव, मोरक्को, म्यांमार, मैक्सिको, मोल्दोवा, नेपाल, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, रोमानिया, रूस, सोमालिया, स्वीडन, श्रीलंका, सूडान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तंजानिया, ब्रिटेन, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, यूएई, युगांडा, यूक्रेन और यमन के नागरिकों की हमने सहायता की, इसकी विश्व भर में सराहना की। अध्यक्ष जी, सूची मैंने पढ़ी है, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रशिया जैसे विकसित देश शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि वो नहीं निकाल सकते, भारत के जहाज आए तो उनमें बैठ जाओ, और 48 देशों से हम निकाल सकते। अध्यक्ष जी, जहाँ तक निकाले गए भारतीय नागरिकों का संबंध है, वो 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रहने वाले हैं। निकाले गए नागरिकों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है, तो सूची मैंने लगा दी है। सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि निकाले गए लोगों में 53% का केले केरल के हैं। कुल हमने 4,741 लोग निकाले, जिसमें से 2,527 अकेले केरल के हैं। अध्यक्ष जी, की बदतर होती जा रही स्थिति तथा निकासी प्रक्रिया के सफल समापन के बाद